नमस्कार, स्वागत है आपका एमकेएन में। मैं हूं प्राची मेहरा और लेकर आई हूं आपके लिए खास कार्यक्रम जनमुद्दा। जनमुद्दे में आज हम बात करेंगे कुदरत की मार के बाद मुआवजे की दरकार पर। बाढ़ में जिनका सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया, उन्हें प्रशासन से आर्थिक मदद मिलना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक साल पहले आई बाढ़ से प्रभावित लोग आज भी मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जिले के साजा ब्लॉक के आश्रित गांव बागलेड़ी की, जहां 2020 में आई बाढ़ ने ग्रामीणों को बर्बाद कर दिया था। न घर बचा था, न अन्न का एक दाना। गरीबों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई तो प्रशासन ने भी मदद के रूप में मुआवजा देने का आश्वासन दे दिया, लेकिन मदद आज तक नहीं मिली। मुआवजे के लिए ग्रामीण पिछले एक साल से भटक रहे हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों ने मजबूर होकर तहसीलदार का दरवाजा खटखटाया और लामबंद होकर ग्रामीण अपनी गुहार लेकर तहसीलदार से मिले। ग्रामीणों का कहना है कि 2020 में आई बाढ़ से सैकड़ों लोगों के घर बह गए थे, जिसकी मुआवजा के लिए एक साल से अधिकारी के वे चक्कर काट रहे हैं और अब थक चुके हैं। ऐसे लोगों को मुआवजा मिल गया है जो अपात्र थे, लेकिन पात्र गरीब पर प्रशासन की नजर नहीं गई। आज तक उनकी सुध लेने के लिए न अधिकारी पहुंचा और न ही कोई जनप्रतिनिधि। साजा ब्लॉक में देखें तो अधिकारी की मनमानी के चलते किसान भी परेशान रहते हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि ग्रामीणों को आखिर कब मुआवजा मिलता है या वे इसी तरह अधिकारियों के चक्कर लगाते रहेंगे। एमकेएन के लिए बेमित्रा से ममता ग्वालवंशी की रिपोर्ट। बाढ़ से घर क्षति हो गया था, इसमें एसडीएम तहसीलदार जनपद अध्यक्ष दिनेश पटेल भी आए थे और मौकम देखे थे और बहुत क्षति मुआवजा देंगे करके एसडीएम साहब भी बोला। उसके बाद अभी तक कोई पता नहीं सर, कुछ आदमी को दे दिया है और कुछ आदमी को नहीं दिया है। इसके लिए सब पीड़ित लोग पूरे तहसील में गए थे सर, और फिर तहसीलदार फिर आश्वासन एक हफ्ते बाद जांच करके बताऊंगा। अगर बोलता है अगले साल का बाढ़ है और क्या जांच करेगा सर इस समय। इससे पर साल में बहुत बाढ़ आए थे, हम लोग क्या बताएं, हमारे बाल बच्चे लेकर के बहुत दूर दूर भागे हैं, तब हमारा प्राण बचे है और आज तक ले कोई हमारा सहारा भी नहीं है। न तहसीलदार ऑफिस गए हैं, वो भी किया है, या देगा नहीं देगा कोई पता नहीं है। और जो मिल गया नहीं मिलना चाहिए उसको भी मिल गया है, और जो मिलना चाहिए उसको भी नहीं मिला है अब तक से। कितना झेले, कितना झेले, अब कितना दुख तकलीफ झेले, गरीबी झेलते झेलते हमारा थक गया है। अब जो भी करेगा वो भी करेगा, तहसीलदार ऑफिस गए थे, अब देखो करेगा और नहीं करेगा उसको वो जाने। ग्रामीण परेशान है, किस तरीके से अपनी समस्याओं का बखान यहाँ पर ग्रामीण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें काफी परेशानी होती है और बाढ़ के बाद जो नुकसान उन्होंने झेला उसके बाद मुआवजा उन्हें अब तक नहीं मिला है। हम बात कर रहे हैं आज बागलेड़ी गांव की, जहां पर ग्रामीण परेशान है क्योंकि 2020 में जो गाँव में बाढ़ आई थी उसके बाद काफी नुकसान यहाँ पर ग्रामीणों ने झेला, लेकिन अब देखा जा रहा है कि साल भर बीत गया। जब गांव बाढ़ से प्रभावित हुआ था तब कई जनप्रतिनिधि वहां पर आए थे, नेता वहां पर आए थे और तमाम दावे किए थे, वादे भी किए थे मुआवजे के लिए, लेकिन अब तक ग्रामीणों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। वहीं जानकारी के लिए इस मुद्दे पर हमारे साथ संवाददाता ममता ग्वालवंशी जुड़ी हुई हैं। ममता जी, जो लोग हैं वो परेशान दिख रहे हैं, ग्रामीणों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है, क्या पूरा मामला है विस्तार से बताइए, क्या परेशानी है ग्रामीणों की उस गाँव में। प्राची, मैं बताना चाहूंगी कि अब पूरा मामला बेमेतरा जिले के सादा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बगड़ेरी का है, जहां पर 2020 में आए बाढ़ में पूरी तरह से गांव, आधा गांव पूरा बह चुका है, जिसके कारण लोग बेघर हो चुके हैं और जिसके चलते उन्होंने अपनी गुहार कई जगह, कई कार्यालयों पर लगाई, कई नेताओं के पास अपनी गुहार लगाई, तहसीलदार के पास लगाई, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारीगण वहां पर उनके सुध लेने नहीं पहुंचे हैं और उनको अभी तक एक साल होने को आया है, अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। और गांव वाले की देखें तो उनका यह कहना है कि जो वहां पर उस गांव की बात कहें तो जो रसूखदार हैं, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उनको मुआवजा मिल चुका है, उनको पात्र किया गया है, पर जिन्हें एक्चुअल में मुआवजे की जरूरत है, जिनका घर पूरी तरह से बह गया है, जो लोग बेघर हो गए हैं,
उनको मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है, उनको पात्रहीन कर दिया गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अधिकारियों की मनमानी और यहाँ पर लेन देन का हिसाब दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जो रसूखदार हैं उनको मुआवजा मिल गया है और जिसको जरूरत है उनको पात्रहीन कर दिया गया है। जी ममता, वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो ग्रामीण हैं उन्हें मुआवजा आखिरकार मिल क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि सरकार जो मुआवजा देती है, जो प्रशासन द्वारा भी कई पूरी प्रोसेस होती है, आखिरकार कहां पर कमी रही है, जो ग्रामीणों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो आखिरकार क्यों नहीं मिल पा रहा है। साल भर होने को आया है लेकिन अभी तक जो बेघर ग्रामीण है उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिकारियों के मिली भगत और मनमानी के चलते ही वो लोग जो रसूखदार है उनको मुआवजा के लिए पात्र घोषित कर रहे हैं, और जो जिनको जरूरत है, जरूरतमंद लोग जिनके पास घर नहीं है, रहने को पूरा बह चुका है, उनको पात्रहीन कर दिया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। और जो यहाँ के जो अधिकारी है वो सिर्फ आश्वासन ही देते आ रहे हैं कि मिल जाएगा, लेकिन ऐसे करते करते साल गुजर गया लेकिन अभी तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। आखिर ऐसे क्या बात हो गई थी जो अभी तक लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। और सादे विधानसभा क्षेत्र की बात कहें तो वह रविन्द्र चौबे जी का क्षेत्र है, जो कि गद्दावर नेता के नाम से जाने जाते हैं, और हम शुरू से ही किसानों के और ग्रामीणों को हित की बात तो करते हैं, लेकिन उनके ही क्षेत्र में आज पीड़ित ग्रामीण मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। जी ममता, बाढ़ 2020 में आई थी, लोगों के घर तबाह हो गए थे और अनाज तक लोगों के लिए नहीं बचा था, खाने के लिए लोगों को परेशानी वहां पर हो रही थी। साल भर बीत चुका है, इन साल भर में क्या परेशानियां हैं ग्रामीणों की, जिसका वो सामना पिछले वक्त में कर चुके हैं? ग्रामीणों को बाढ़ आने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल सबसे बड़ी परेशानी तो छत है, कई लोगों का घर ऐसा है जो पूरी तरह से टूट चुका है, बह चुका है बाढ़ में, लेकिन अभी तक उनको रहने के लिए छत नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से उन लोगों को जीवन यापन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ममता, कुछ देर के लिए यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, राम पटेल जी ग्रामीण है और पीड़ित भी है। आपसे राम पटेल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राम पटेल जी, 2020 में बाढ़ आई थी और बाढ़ के बाद में काफी नुकसान वहां पर जो ग्रामीण है उन लोगों को झेलना पड़ा था, क्या समस्याएं इस दौरान आपको झेलनी पड़ी और कौन सी परेशानियां हैं जो अब तक अभी भी आप झेल रहे हैं? मैम, क्षतिपूर्ति नहीं मिला है। जी, क्षतिपूर्ति अगले साल का जो बाढ़ में एसडीएम तहसीलदार अब आए थे जी, और क्षतिपूर्ति नहीं मिला है, क्षतिपूर्ति नहीं मिला है, अब अगले कुछ आदमी तो मिल गया है। जी राम पटेल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस दौरान घर भी, जो बाढ़ आने के बाद में कई लोगों के घर यहाँ पर बर्बाद हो गए थे, टूट फूट हो गई थी, तो किस तरीके से अब आप गांव में रह रहे हैं और क्या परेशानियां आपको इस दौरान आती है? घर तो फूट गया है, कुछ जमीन बेच अपना घर उठा रहा है, कुछ लोग फूटा हुआ है तो रिपेयरिंग थोड़ा कर लिया है। जी राम पटेल जी, इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मुआवजा अब तक आपको मिला है या फिर कोई मुआवजा नहीं मिला है, और अगर नहीं मिला है तो आपने आगे जो अधिकारी है या सरपंच है गांव में उनसे इस बात का जिक्र किया है? जिक्र किया है ना, वो आवेदन तहसीलदार ने दिया है, तहसीलदार खत करके जांच करवाऊंगा, क्या अब जांच कैसे क्या करवाएगा, अगले साल तो फूटा है, इस साल क्या जांच होगा, वो जांच कराने भेजा था, अभी साल क्या उसका कंकाल थोड़े मिलेगा। राम पटेल जी, जब बाढ़ आई थी और बाढ़ आने के बाद में जो प्रभावित क्षेत्र है, जैसे कि आपका गांव भी प्रभावित हुआ था बाढ़ में, तो इस दौरान इसके बाद में क्या सर्वे हुआ था आपके गांव का कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं और क्या नुकसान ग्रामीणों का वहां पर हुआ है? सर्वे हुआ था, एसडीएम आया था, तहसीलदार आया था और पटवारी भी भेजा था, और उसके बाद सबको फोटो खिंचवा कर भेजा था पटवारी के पास। जी
राम पटेल जी, इस दौरान क्या किसी तरीके का आश्वासन जो अधिकारी वहां पर आए थे, प्रशासनिक अधिकारी जो भी आए थे, उन्होंने क्या कहा था आपको? कब तक इस जो प्रभावित क्षेत्र है, जो नुकसान आपको हुआ है, उसका मुआवजा कब तक मिलने की बात अधिकारियों द्वारा कही गई थी? ये डीएम से बोला तो जल्दी से जल्दी मुआवजा मिल जाएगा आपको। बहुत बहुत परेशान हो आप, तकलीफ हो गए करके हमारा आंसू पोंछ दिया जी। राम पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए गणेश पटेल हैं, पंच हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी मैडम। गणेश जी, 2020 में बाढ़ आई थी और उसके बाद जो प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पर, गांव में लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है, आखिरकार क्यों? जो ग्रामीण है, जो प्रभावित लोग हैं, उनको मुआवजा आखिरकार क्यों नहीं मिला है अब तक? जी मैडम, इसमें क्या है मैडम, जो रसीदार हैं उन लोगों को मिल गया है मुआवजा जी, और जो एक्चुअल में हकदार हैं, जिसका जन और धन दोनों ही नुकसान हुआ है, इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। आज तक के कोई सुनवाई भी नहीं हुआ है जी, और दो तीन बार हो गया है तहसील ऑफिस जाके दौरा करते हुए ग्रामीणों के साथ जी, अभी तक के कोई मुआवजा नहीं मिला है। अब बोले हैं तहसीलदार की होगा कार्यवाही, ऐसे करके बोले हैं जी। गणेश जी, आप पंच है, क्या आपने कोई प्रयास किए? अगर अब तक मुआवजा लोगों को नहीं मिल पा रहा है और आपका कहना है कि जो रसूखदार हैं या जिन्हें जरूरत नहीं है, अपात्र लोग जो हैं, उन्हें मुआवजा मिला है, तो इसकी शिकायत आपने आगे की है अधिकारियों को, या फिर इस मामले में किसी तरीके की शिकायत आपने आगे की कि आखिरकार क्यों आप लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है और अन्य जो अपात्र लोग हैं उन्हें मुआवजा मिल रहा है? जी मैडम, इसके लिए हम लोग आवाज उठाए हैं मैडम कि मिलना चाहिए, जो जरूरतमंद व्यक्ति को मिलना चाहिए, ऐसे करके ना आवाज उठाए हैं अपन प्रतिनिधियों द्वारा, पंच प्रतिनिधियों द्वारा। मैं भी उसमें शामिल हूँ और मैं भी पीड़ित हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं हूँ जी। मेरा भी पशु शेड है और अपना अनाज गोदाम है, खातू गोदाम है, सब खत्म हो गया है मैडम बाढ़ में जी। मिलेगा मिलेगा करके घुमा घुमा के रखते थे पहले सरपंच वरपंच, और उसके बाद जो रसूखदार थे उन लोगों को मिल गया है, जो जिसके पास कुछ खराब ही नहीं हुआ है, उसका कोई नुकसान ही नहीं हुआ है, उन लोगों को मिला है जी। गणेश जी, वही जिन लोगों को मुआवजा मिला है या फिर जो ग्रामीण है जिन्हें मुआवजा अब तक नहीं मिला है, क्या लगता है, क्या कारण है कि जो पात्र लोग हैं उन्हें मुआवजा आखिरकार क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों अनदेखी ग्रामीणों की वहां पर हो रही है जो कि असल में हकदार हैं इस तमाम मुआवजे के? जी मैडम, इसी के लिए तो हम लोग गए थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये लोग उसी लोग बताएंगे जो अपने अधिकारी लोग हैं वो जी। जी अब हम लोग अब क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा सा आवाज उठाए हैं मैडम, ये मिल जाए ऐसे करके जो जरूरतमंद है उन लोगों को जी। जी मैडम, और वैसे तो अपने पास सब चीज प्रूफ है, फॉर्म वाम सब कुछ का डुप्लीकेट प्रति है हमारे पास, जो भी फोटो वोटो है जी, जो डूबा था, और पिछले दिन आए भी थे पटवारी जांच के लिए जी। जी, और कार्यवाही होगा मिलेगा करके बोले हैं मैडम, और ज्यादा कुछ तो नहीं बताए हैं जी। गणेश जी, वही एक साल बीत चुका है और अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है, यानी कि काफी लंबा समय बीत चुका है। क्या आपको, जब आप अपनी शिकायत लेकर आगे गए, तो आपको इस तरीके की कोई जानकारी मिली कि आखिरकार जो पूरी प्रोसेस होती है, सर्वे होता है, उसके बाद में उसका आकलन होने के बाद में जो मुआवजा है वो ग्रामीणों को दिया जाता है कि किसे कितनी जरूरत के हिसाब से वहां पर मुआवजा दिया जाता है, तो पूरी इस प्रोसेस में क्या आपको ये जानकारी कहीं से मिल पाई कि आखिरकार ये जो पूरी प्रोसेस है कहाँ अटकी हुई है, कहाँ से काम आखिरकार नहीं हो पा रहा है? ये एक्चुअल में हम लोग तहसीली ऑफिस गए थे मैडम, इसी कारण क्या हुआ क्या है ऐसे करके जानकारी हो जाए ऐसे करके, तो हम लोग गए ना, तो उसी समय बोले कि होगा एक हफ्ते के अंदर आपका काम होगा, ऐसे करके आश्वासन दिए हैं और बाकी आगे पीछे नहीं बताए जी। गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बंसी पटेल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बंसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ठीक, धन्यवाद, बोलिए। बंसी जी, 2020 में गांव में बाढ़ आई थी, ये गांव यहां पर आपको बता दूं बागलेड़ी गांव है, जहां के ग्रामीण जो हैं वो परेशान हैं। 2020 में बाढ़ आई थी
और अब तक ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिल पाया है, ग्रामीण परेशान हैं। इस दौरान घर उनका पूरी तरीके से उजड़ गया है, बिगड़ गया है, अन्न की भी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी और इन्हीं हालातों में ग्रामीणों ने लगभग एक साल गुजार दिया है और अभी भी मुआवजे की गुहार लगाने को ग्रामीण जो है वो मजबूर है। क्या कारण है, आखिरकार उन्हें मुआवजा क्यों नहीं मिल पा रहा है? नमस्कार, हमारा कहना मतलब ये है कि जो भी जो बाढ़ की स्थिति जो बनी थी उसमें जो भी नुकसान हुआ होगा उसमें तहसीलदारों को दिया गया था बनवाने के लिए और तहसीलदार लोग अपना उसका जो एस्टीमेट वगैरह बना के उनको सब प्रस्तुत किया जा चुका है और आज ही मेरे से मैंने मतलब एक तहसीलदार को एक अपना ये ग्राम है यहीं पर नजदीक पे उनका केस के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि सभी लोगों का केस बन रहा है और सभी लोगों को मुआवजा मिल जाएगा। बंसी जी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 2020 में ये बाढ़ आई थी और अब करीब साल भर बीत चुका है और ग्रामीण उसी स्थिति में गुजर बसर कर रहे हैं। ये काफी लंबा समय है और केस बनने में आखिरकार कितना वक्त लगेगा और कि जो ग्रामीण हैं उन्हें उनका जीवन साधारण हो सके या उन्हें मुआवजा मिल सके, बहुत लंबा वक्त है, एक साल। कहना है आपका, लेकिन हमारा ये कि आप देखिए समय क्या गुजर रहा है, अभी कोरोना का काल का समय है, ये सब कोरोना के समय में कई प्रकार की मतलब परेशानी तो सरकार को भी होता ही है और लोगों को भी होता है, तो इसमें सफर करना चाहिए। अभी अभी तो कोरोना से हमारी मतलब जो सरकार है वो हल्का फुल्का मतलब यहाँ प्रदेश में कम हुआ है, तो ये सब कोरोना में तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ तो विलम्ब होना ही था। जी बंसी जी, अगर कोरोना काल का भी समय ग्रामीणों ने झेल लिया इसी बीच, यानी कि ग्रामीणों को मदद की दरकार, एक साल से वो लोग यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं और कोरोना काल में तो उनकी मुश्किलें और बढ़ गई थी, यानी कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें और ज्यादा एक्टिव हो जाना चाहिए इस दौरान, यानी कि जल्द से जल्द जो सुविधाएं ग्रामीणों को मिलनी चाहिए उसके लिए तमाम प्रयासों में और बढ़ोतरी यहाँ पर हो जानी चाहिए, तो इसका उल्टा प्रभाव हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है कि साल भर बीत जाने के बाद भी जो ग्रामीण है वो यहाँ पर परेशान है अब तक। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, साल भर कोई ऐसा कोई इतना ज्यादा समय नहीं होता और लोग कहते हैं कि अगले बाद की भाई मुआवजा तो बनना तय है और बनेगा भी, भाई बनता है तो अपने हिसाब से लोग अपना रिपोर्टिंग ले लेके अपना इस बनाते हैं, तो हमारा जो कहने का मतलब ऐसा कोरोना काल में इस प्रकार का मतलब कई प्रकार की व्यवस्थाएं मतलब हो नहीं पाई, मतलब लोग इकट्ठा नहीं हो पाए, भाई सरकार भी मतलब उसमें भी अपना पूरा खुदा कार्य नहीं कर पाई ना भाई, अब अभी भी इस काम को हुआ है जी, बंसी जी अपनी इस काम को लेके चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये शायद अगर वहाँ इस प्रकार की घटना अगर हुई है तो मुआवजा तो बनेगा ही। जी बंसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वहीं आपको बता दें इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए मूलचंद शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मूलचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। मूलचंद जी, यहाँ पर बागलेड़ी गांव की हम बात कर रहे हैं जहां पर ग्रामीण परेशान हैं क्योंकि पिछले साल आई बाढ़ का जो मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए वो अब तक उन्हें नहीं मिल पाया है। विपक्ष कहां पर है, क्यों अब तक जो ग्रामीण प्रयास कर रहे हैं, जो गुहार लगा रहे हैं, अब तक विपक्ष की इसमें क्या भूमिका है, क्योंकि ग्रामीणों को एक साल बीत चुका है और मुआवजा अब तक नहीं मिला है और परेशान है ग्रामीण पिछले एक साल से। जी देखिए, जो साझा विधानसभा का ग्राम बदलेगी है वहां पर जो है बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था और कई लोगों के मकान भी ढह गए थे, लेकिन उसमें प्रशासन की जो है लापरवाही घोर उत्पन्न होती है। प्रशासन ने ऐसे लोगों को वहां पर मुआवजा बना कर दिया है जो अपात्र हैं, जिनके पक्के मकान भी थे उनको काफी मुआवजा राशि दी गई है, जबकि गरीब जो बेचारे जिनके छोटे छोटे मकान थे और कच्चे मकान थे उनका मकान ढहा है लेकिन उसके बाद भी उनको क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दी गई है। जी मूलचंद जी, सवाल यही है कि अब तक ग्रामीणों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिला, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि सर्वे भी हुआ है लेकिन उसके बाद में केवल उन्हें आश्वासन मिला है, कोई मुआवजा नहीं मिला, तो आखिरकार जो पूरी प्रोसेस है कहाँ अटकी हुई है, क्यों जो तमाम सुविधाएं ग्रामीणों को मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से वो क्यों नहीं मिली आखिरकार? देखिए, कहीं आज साझा विधानसभा जो है उस क्षेत्र में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे जी का क्षेत्र पड़ता है
और वहाँ पर अधिकारियों का इतना लापरवाही पूर्ण रवैया है और काफी अधिकारी जो है लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाकर काम करते हैं और क्षतिपूर्ति राशि जैसे में जिसमें प्राकृतिक आपदा रहती है और इसमें सभी को मुआवजा देना चाहिए था, लेकिन उसमें भी भेदभाव होता है और भेदभाव होने के बाद भी गरीबों को छोड़ दिया जाता है, गरीबों की बजाय सक्षम लोगों को दिया गया। इसको लेकर तहसील कार्यालय में ग्रामीण आए हुए थे और मैं भी उनके साथ में था और इस संबंध में बहुत महिलाएं और पुरुष भी आए हुए थे पूरे परिवार के साथ, लेकिन शासन का रवैया जो है ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं शासन में इसमें राजनीतिक संरक्षक भी अधिकारी लोग को मिला हुआ है जो कि आदमी देख के काम कर रहे हैं। जी मूलचंद जी, जब इस तरीके की स्थिति बनी हुई है तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपने इसे लेकर सवाल आखिरकार क्यों नहीं उठाए, क्यों इस चीज का विरोध नहीं किया? क्योंकि ग्रामीण जो है वो परेशान है, कई बार ग्रामीण होते हैं वो जानकारी के अभाव में उनके उन्हें हित नहीं, उन्हें जो मुआवजा मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में आपकी भी भूमिका बनती है, तो आपने इसके लिए क्या प्रयास किए हैं? क्योंकि अगर प्रशासन और जो जिम्मेदार है वो उदासीन है तो उसका विरोध या तमाम जो सुविधाएं हैं ग्रामीणों को मिलना चाहिए वो आप ही के जरिए मिलती है, तो आपके द्वारा क्या प्रयास किएगा इसी दौरान? देखिए, हमने इस संबंध में जब ग्रामीण साझा में आए तो तहसीलदार के कार्यालय के सामने हमने करीबन 150 लोगों के साथ जाकर तहसीलदार महोदय से बात की और उनको ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से बताया भी कि सारी व्यवस्था जो है जो गड़बड़ा गई थी और जो इसमें क्षतिपूर्ति राशि में भेदभाव किया था, इस संबंध में भी चर्चा की और ज्ञापन भी दिया और स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि एक हफ्ते के अंदर उनको मुआवजा नहीं दिया गया। तो ग्रामीण के साथ में हम तहसील मुख्यालय के सामने, तहसीलदार कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे करके हमने वहां पर नोटिस भी दिया हुआ है। जी मूलचंद जी, वहीं क्या लगता है आपको कि जो एक हफ्ते का वक्त दिया गया है, इसी बीच एक साल का तो वक्त बीत चुका है, लेकिन ये एक हफ्ते का जो वक्त दिया है इस बीच क्या ग्रामीणों को उनका जो मुआवजा है उन्हें मिल पाएगा? देखिए, जो जिस हिसाब से सरकारी अफसर जो है यहाँ पर कानाशाही पूर्ण रवैया अपना रहे हैं और इस क्षेत्र में जहाँ पर इस क्षेत्र के विधायक रवि चौबे जी हैं, लेकिन बड़ा दुख का बात है कि क्षेत्रीय कृषि मंत्री होने के बाद भी कृषक अगर परेशान है तो ये काफी खेद का विषय है। और सबसे मुख्य मुद्दे की बात है, कांग्रेस तो वैसे भी क्षेत्रीय समस्याओं से मुंह मोड़ कर जो है अपनी कुर्सी बचाने पर लगी हुई है और यहाँ सत्ता का जो खेल ढाई ढाई साल का चल रहा है और कहीं न कहीं चौबे जी को भी इस संबंध में चिंता सता रही है और वो क्षेत्रीय समस्याओं से मुंह मोड़कर जो है और राजनीति में लगे हुए। जी मूलचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं बेमित्रा के बागलेड़ी गांव की। हम आपको बता दें ये जो गांव है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। एक साल पहले यहां पर बाढ़ आई थी, 2020 में बाढ़ आई थी, लेकिन 2021 यहां पर आ चुका है, लेकिन ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिला है। अब तक ग्रामीणों के घर इस दौरान तबाह हो गए, अन्न की कोई व्यवस्था नहीं रही और पिछले एक साल से ग्रामीण इसी तरीके से जीवन अपना व्यतीत करने के लिए मजबूर है। वहीं जो जिम्मेदार है वो केवल आश्वासन दे रहे हैं, केवल नाम के लिए सर्वे होता है, तमाम काम यहां पर होते हैं, लेकिन मुआवजा ग्रामीणों को अब तक नहीं मिला है, आगे भी केवल आश्वासन ही ग्रामीणों को मिला है। अब देखना होगा कि किस तरीके से इसमें जो जिम्मेदार है वो कब जागेंगे, जो प्रशासन है वो कब जागेगा और जो आखिरकार ग्रामीण हैं उन्हें मुआवजा आखिरकार कब मिल पाता है। इन्हीं सवालों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।